मैं कमिंग सर, आइए आइए, थैंक यू। आपका नाम? धीरज झोपे द पीपल चॉइस, मतलब धीरज झोपे। हिंदी में बात करना अच्छा लगेगा आपको या अंग्रेजी? हिंदी में सर बताइए अपने विषय में। जी, मैं जलगांव जिले से हूँ और मैंने अपना बीटेक किया इलेक्ट्रिकल में। उसके अलावा मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है और एक्टिंग का भी थोड़ा सा शौक है। दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग। बीटेक आपका किस साल का है? बीटेक मेरा 2015 का था सर, 2015। आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? मराठी, सॉरी, C++, C++। सी प्लस प्लस था। जी मुझे बताइए कि सी प्लस प्लस और सी शार्प, इन लैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बेसिक अंतर क्या है? सर, एक तो स्पेलिंग डिफरेंस है, मतलब से नहीं, जैसे सी में दो प्लस है सर, प्लस प्लस, और शार्प में तो कोई प्लस नहीं। शार्प में प्लस कैसे? शार्प तो शार्प है सर, मतलब एकदम बोले तो शार्प, बहुत शार्प है, तो नहीं सर याद नहीं। याद नहीं है। आपका मेजर प्रोजेक्ट किस चीज़ पे था? कल क्या खाया याद नहीं, आप प्रोजेक्ट का पूछ रहे हो सर। प्रोजेक्ट तो नहीं किया था सर। बीटेक में तो आपने प्रोजेक्ट किया होगा ना, एक 100 नंबर का होगा। नहीं, मतलब किया था पर वो ना, मतलब बाहर से लिया था, मतलब क्या बोल रहे हो यार मैं। नहीं सर, प्रोजेक्ट याद नहीं। अपना प्रोजेक्ट नहीं याद है, वेरी गुड। कौन कौन सी लीव्स मिलती हैं भारत सरकार में, अगर कोई एम्प्लॉय लेना चाहे तो? एक जब वो बच्चा पैदा होता है तब। आपको मिलेगी वो? नहीं मतलब अभी तो नहीं ठीक है। और सर। 15 अगस्त, 26 जनवरी, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा। क्रिसमस, दिवाली, दशहरा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, वो रह गया गोड़ गोड़ गोड़। मकर संक्रांति, क्रिसमस, संक्रांति, ये CL, EL, इनमें से किसी का अंदाजा नहीं है अभी आपको? CL PL, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ सर। अभी दरअसल आप सर्विस में गए नहीं, इसलिए आपने बहुत ध्यान दिया नहीं जी होगा सर, सर। अभी जो मिलनी थी उस पर ध्यान दिया। सबसे ज्यादा किस मूवी ने आपको प्रभावित किया है? हाँ, ये सही सवाल पूछा मैडम आपने, मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट सवाल है। इसका जवाब मैं बहुत सही दूंगा जी। मुझे हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, किस कारण से उस मूवी ने आपको प्रभावित किया? दो कारण बताइए। एक तो उसमें, मतलब पहली बात तो 21 दिन में पैसा डबल, मतलब 21 दिन में पैसा डबल तो वो स्कीम अच्छी लगती है, उतना तो आप जॉब में भी नहीं लोगे। और दूसरा, मुझे वो वास्तविकता से जुड़ी हुई लगती है, और उसमें मेरे फेवरेट एक्टर भी है, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल जी, तो वो अच्छा लगता है। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? अच्छा, इंटरव्यू तो मतलब अच्छा ही था, मतलब एवरेज एवरेज था, एवरेज। अब जैसे एवरेज आई, खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा। शुरुआत में जरूर थोड़ा सा आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका टेंटेटिव रहता है, आप थोड़ा सा हल्का सा कंपन दिखाई देता है और लगता है कि अभी आप सेटल नहीं हुए, लेकिन जब सेटल हो जाते हैं तो चीज़ें बेहतर है। बाकी अच्छी बात है कि आपकी एज कम है, कॉन्फिडेंस आप में ज़बरदस्त है, दिखते स्मार्ट हुई, आपकी रेंज तो है बहुत शानदार। मुस्कुराओगे कम, डरोगे नहीं, इमेजिनेटिव किस्म के प्रश्नों पर अच्छा जवाब ज़रूर दोगे, भाषा ठीक रखोगे, तो प्रॉपर IAS से नीचे क्वेश्चन।